कभी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करना। इन शिर्क लगुल बुनादीन, शिर्क सबसे बड़ा गुना है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म, मेरा हक मार कर आप किसी और को दे दे तो ये मुझ पर जुल्म है। इबादत करना अल्लाह का हक है, सजदा अल्लाह के सामने किया जाए ये उसका हक है, दुआ उससे मांगी जाए ये उसका हक है, लेकिन ये हक मार कर आप किसी और को दे दे तो ये अल्लाह पर सबसे बड़ा जुल्म है। और इसी को शिर्क कहा गया, और शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म कहा गया। बर्दाश्त नहीं कर सकते, साड़ी दी आपने और तारीफ कर रही है वो लाने वाले की, आप इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते और दिल्ली बंबई बैठे हुए तलाक 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 का फरमान जारी कर देते हैं तो अल्लाह ताला इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा कि जमीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, बगैर सुतून के और बगैर खंभों के मैंने आसमान की छत लटका दी, 9,30,00,000 मील की बुलंदी पर मैंने सूरज को मुअल्लक कर दिया, 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड ये गर्मी रोजाना सूरज हमें देता है, 2,40,000 मील की बुलंदी पर चांद को मुअल्लक कर दिया, रात हम देते हैं तुम्हारे आराम के लिए, जब तुम्हारी थकन उतर जाती है तो हम तुम्हें सुबह बेदार कर देते हैं, तुम फिर मेहनत करते हो, हम तुम्हारे अनाजों में, हम तुम्हारे खेतों में अनाज पैदा करते हैं, बारिश हम बरसाते हैं, अनाज का दाना हम बड़ा करते हैं, तुम गेहूं का एक दाना जमीन में डालते हो उसको 100 दाने हम बनाते हैं, तुम चावल का एक दाना जमीन में डालते हो उसके 100 दाने हम बना देते हैं, निकाह करके तुम बीवी को सिर्फ रुख्सत करके अपने घर लाते हो, तुम रात में हल्की सी मेहनत करते हो लेकिन तुम्हारी शर्मगाह से निकलने वाले पानी के हकीर कतरे को तुम्हारी आंखों का तारा हम बनाते हैं, हड्डियां हम बनाते हैं, उसकी पिछलियां हम बनाते हैं, उसका घुटना हम बनाते हैं, उसका अंगूठा हम बनाते हैं, उसका फिंगर हम बनाते हैं, उसकी आंखें हम बनाते हैं, सोचने और समझने के लिए उसमें दिमाग हम देते हैं, हम देते हैं। हड्डियां हम बनाए, बना सवा कर दुरुस्त हम करें, खून हम दौड़ाए, हजारों तारों का दिमाग में कनेक्शन डालकर चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में हम दें, ये सारे काम हम करें। और जब ये 9 महीने के बाद बच्चा जब तुम्हारी बीवी के पेट से बाहर आए तो कह दो इसको बरेली वाले ने दिया, इसको अजमेर वाले ने दिया, इसको बदायूं वाले ने दिया, इसको कछौछा वाले ने दिया, इसको फुलवारी वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सारे काम हम करें और जब जीता जाता बेटा पैदा हो तो कह दो कि ये फला ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। इन्नल लजी من دون الله لا يخلق ذبابا। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो, जिनसे दुआएं करते हो, जिनसे मिन्नतें और समानतें मांगते हो, ये सारे के सारे मिल जाए, لا يخلق ذبابا, ये सब के सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। एक बच्चा पैदा करना तो बहुत दूर की बात, समझे? शिर्क की हल्की सी तशरीह इतनी काफी है, हमें समझना चाहिए शिर्क क्या। तो आए मुआज, शिर्क मत करना कुछ भी, चाहे तुम्हें जला दिया जाए या मार दिया जाए, कत्ल कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज पर आइए नौजवानों, आज बहुत सी नसीहतें तुम्हें मिलेंगी। दूसरी चीज, अपने माँ बाप की कभी ना फरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे घर बार से, तुम्हारे माल दौलत से निकाल दे।